हेलो और आज का वीडियो होने वाला है ये न्यू बिगनर्स के लिए जो जिन लोग जो भी लोग गाड़ी चलाना सीखते हैं और जिनको गियर लगाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनको समझ में नहीं आता जग्जैक्ट -जग कैसे लग रही है गेयर तो ये स्पेशली उनके लिए है और इसमें जैसे कि मैनुअल मैनुअल में ही होता है गेयर तो आपको जैसे इधर में भी अगर कन्फ्यूज़न होता हो मैं थोड़ा टॉर्च जला के इसका शो कर देता हूँ ये तीन फिगर होते हैं यहाँ पे भी जैसे ये है एस्केलेटर, ये ब्रेक ये क्लच अल्फ़ाबेट के टाइप से आप याद कर सकते हैं इसको ए बी सी एस्केलेटर, ब्रेक क्लच ओके और फिर इसके बाद इसके बाद आता है नंबर गेयर का तो गेयर में अक्सर कन्फ्यूज़न होता रहता है कि ये गेयर लगती कैसे हैं तो जब भी आप गेयर लगाएं क्लच दबा के ही लगाएं और जैसे ये सिक्स स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है और जितने मीटर सिक्स स्पीड होते हैं उसमें रिवर्स जो होता है वो फर्स्ट के ही जगह होता है और उसके लिए जनरली कंपनियाँ पे एक लीवर दे देती हैं इसे आप ऊपर करके ऐसे फर्स्ट की जगह लगा देंगे तो लग जाएगा बट फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये है कि मतलब कि क्या बोलते हैं आप गियर कैसे लगाएं तो सबसे पहले है कि जब भी आप ध्यान देंगे ये जो सिंबल बने हुए हैं ये सो आ, ये कैसे मतलब कौन से पोजीशन में कौन सा गियर है सेट है कंपनी इसको यहाँ पे बना के देती है तो गियर की जो पोजीशन होती है किसी भी गाड़ी में चाहे वो फाइव गियर हो चाहे सिक्स स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन हो गेयर की पोजीशन यहाँ पे रहती है थर्ड और फोर्थ के बीचों बीच, बीच ये यह. यहाँ पे इस समय गियर है अब लेफ़्ट इधर है राइट इधर है तो जब भी गियर लगाएँ तो मैंने तो ऐसे ही सीखा था तो मेरे भैया ने भी मेरे को बोला कि लगाते लगाते हो जाएगा प्रैक्टिस में एक्सप्ल परफेक्ट लेकिन समझ में आया तब ना तो मैंने मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ मेरा ख़ुद का कहते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है तो मैंने खुद ही इसको ऐसे ही सोचा फिर मैंने सोचा कुछ करते हैं क्योंकि ध्यान अक्सर सीखते समय इधर उधर होता है तो जब भी लगाना हो गेयर तो इस नॉब को लेफ्ट साइड ले जाएँ क्लच दबा के और ऐसे फर्स्ट फिर लगा दें ये फर्स्ट हो जाएगा और फर्स्ट में चलने के बाद फिर जब सेकंड लगाना होगा गियर चाहे अपनी अनुसार ऐसे पकड़ने ऐसे अभी बताना है आपको इसलिए मैं दिखा भी रहा हूँ इसलिए मैं ऐसे पकड़ाऊँ फिर इसको ऐसे ही जब भी आप फर्स्ट से सेकंड में लगाएँ तो ये याद रखें कि लेफ्ट जैसे गेयर है अगर आप इसको ढीला छोड़ देंगे तो ये बीच में आ जाएगा फिर थर्ड फोर्थ के बीच में यहाँ पर आ जाएगा लेकिन इसीलिए जब भी आप ऐसे फर्स्ट लगाए हैं तो आपको सबसे पहले लेफ्ट ले जाना है और फिर लेफ्ट ही ऊपर ले जाना है लेफ्ट ले जा फिर ऊपर ले जाके फिर नीचे जब सेकेंड लगाने के लिए उसको नीचे की तरफ एक बार खींचेंगे न्यूट्रल होते हुए फर्स्ट सेकंड के बीच में फिर इसको लेफ्ट ही आप प्रेस किए रहिए ताकि ये बीच में ना आए थर्ड फोर्थ के बीच में फिर पीछे लगा देंगे तो ये फर्स्ट के बाद सेकंड लग जाएगा लगातार करते करते से फिर ये स्मूथली होने लगेगा आपसे फर्स्ट हुआ लेफ़्ट ही इसको दबाइए नहीं तो इधर बीच में आ जाएगा फर्स्ट फिर्स, फर्स्ट है फिर सेकेंड है फिर उसके बाद जब थर्ड लगाना हो तो हल्का सा इसको हाथ को ढीला थोड़ा सा फ्री रखिएगा थर्ड जब करते ही बीच में आ गया जैसे ये है बेसिक करेंगे तो, तो फिर थर्ड फोर्थ के बीच में आ गया फिर ऐसे थर्ड लगा दिए यहाँ आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता सिर्फ आगे पीछे करना होगा थर्ड है फिर उसके बाद ये फोर्थ है ऐसे ही जब आपको फिफ्थ और सिक्सथ में जाना होगा तो आप इसको राइट साइड जैसे उधर लेफ्ट था इसको राइट साइड प्रेस किए रही और आगे लगा दिए तो ये फिफ्थ लग जाएगा और फिर फिफ्थ से सिक्स करते समय हल्का इसको राइट ही प्रेस किए रहिएगा इधर फोर्स लगा रहिएगा नहीं तो बीच में चला जाएगा थर्ड फोर्थ के सिक्स हो गया तो ये ऐसे काम करता है फोर व्हीलर में ये अच्छी ये सबसे अच्छी चीज़ होती है किसी से किसी भी गेयर से आप किसी भी गियर में जा सकते हैं कभी भी ये फर्स्ट लेफ्ट साइड के लेफ्ट जाके आगे फिर इसको लेफ्ट ही प्रेस किए रहिए है सेकेंड फिर तो यहाँ से फ्री छोड़ दीजिए हल्का से हल्का था, हाथ से थर्ड फोर्थ और फिर राइट साइड प्रेस करके फिफ्थ और ये सिक्स जब आप चलाना सीख जाएंगे तो आपने देखा होगा अक्सर लोग ऐसे ऐसे लगाते रहते हैं तो वो सब आपसे भी हो जाएगा जब नहीं होता है तब होता है लोग फास्ट एंड फ्यूरियस बन जाते हैं तो फिर और ये रिवर, रिवर्स गियर के लिए अब ऐसे करके ऐसे कर देंगे तो ये लग जाएगा और जिनमें फिफ्थ गियर होता है उसमें ये सिक्स गियर की जगह रिवर्स होता है तो वो ऐसे लग जाएगा तो किसी भी गियर से किसी भी गियर में आप जा सकते हैं और ये बिगनर्स के लिए था डेडिकेटेड टू बिगनर्स कभी मुझे भी बहुत दिक्कत आई तो मुझे मालूम है कि बहुत दिक्कतें आती है समझ में आए धीरे 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 गुड लक